हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुशवाहा आज आपके लिए पुनः दोस्तों मैं वही सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम सॉल्व पेपर आपको उपलब्ध करा रहे थे। ये 27वीं कड़ी है हमारी, जो KVS NBS और TGT PGT का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें DSSB UP PGT TGT राजस्थान जितने भी प्रदेश हैं सब क्या हैं, कौन कोई कुछ क्वेश्चन हैं जिनके नीचे उसने दे दिया है कि इस सन में आया है। बकाया ये सारे के सारे क्वेश्चन लगभग रिपीटेड हैं, कोई UP PGT TGT में आया है, कोई KVS में आया, कोई NBS में आया है, मगर यहाँ चूँकि उन्होंने KVS को मेंशन किया है, अन्य को मेंशन नहीं किया है, क्योंकि अगर सबको मेंशन करते तो आप समझ सकते हैं बहुत मोटी हो जाती है। इसमें जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इनमें कुछ क्वेश्चन 1999 में TGT में बायोलॉजी यूपी में पूछे गए हैं, तो चलो देखते हैं आज का अपना वीडियो। तो यहां पहला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट गिल्सन कैप्सूल्स आर फाउंड इन। तो गिल्सन कैप्सूल जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो लीवर में पाया जाता है। देखिए जो मैमल्स का लीवर होता है उसमें गिल्सन कैप्सूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द एस्केरिस टू द मैन इज, एस्केरिस की संक्रमण अवस्था होती है तो वो सेकेंड जुवेनिल होती है, यानी द्वितीय जुवेनिल जुवेनाइल होती है। तो यहाँ सेकेंड जुवेनाइल जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है एस्केरिस की। नेक्स्ट है देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है आप देख लीजिएगा। माइटोकांड्रिया इज ए सेल ऑर्गेनल्स विच हैज DNA इन एडिशन टू द न्यूक्लियस, ए सेट ऑफ जीन हैज बीन फाउंड इन न्यूक्लियर एंड माइटोकांड्रियल DNA विच वन इज दैट। तो इसमें क्या है XWQP, देख लीजिए XWOPQS। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन द सब म्यूकोसा, इनमें ब्रूनल ग्लैंड जो होती है वो सब म्यूकोसा में पाई जाती है। चलिए देख लेते हैं आहार नाल के किस भाग में ब्रूनस ग्रंथि पाई जाती है, तो देख लेते हैं, तो वो पाई जाती है डिओडिनम में। किस में पाई जाती है, डिओडिनम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट, तो इसमें एस्केरिस है जिसका कोई इंटरमीडिएट जो होस्ट होता है वो नहीं है। फैसियोलस जो हिपैटिका होता है उसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है, टीनिया सोलियम का होता है, प्लाज्मोडियम का तो आप जानते ही हैं, मनुष्य और मच्छर दोनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट है एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, तो एम्फीवेसल जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, तो हम आपको बता दें कि एम्फीवेसल जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो ड्रेसिना में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, ड्रेसिना में, तो इसका ऑप्शन बी सही है। हम आपको ये भी बता दें कि एम्फी जो वेसल वेस्कुलर बंडल होते हैं तो ये ड्रेसिना और यक्का के तने में मिलते हैं। इसमें से जो एम्फी क्राइबल होता है वो क्या होता है, एम्फी क्राइबल को हम जाइलम केंद्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जाइलम केंद्री बोलते हैं। जाइलम बीच में मिलता है, उसके चारों ओर फ्लोयम मिलता है जैसे कि टेरिडोफाइट्स में, और एम्फीक्राइवल में क्या होता है, इसमें फ्लोयम बीच में होता है और जाइलम चारों तरफ से घेरे रहती है। वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, तो हम आपको बता दें ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस, तो ये लेबिएटी कुल का विशेषीकृत लक्षण है वर्टिसिलेस्टर। ये होता कैसे, तो हम आपको बताते हैं, जैसे ये तना होता है तो इसमें इस तरह का, जैसे ये लगा फिर इसके ऊपर ये इस तरह से लगा रहता है, ये ऐसे, ये वर्टिसिलेस्टर फ्लावरिंग होती है, ये ऐसे, तो ये वर्टिसिलेस्टर फ्लावरिंग होती। अच्छा, हम आपको एक और अच्छी सी चीज बता दें। नेक्स्ट इसमें हम आपको बता दें कि कौन विशेष प्रकार के फ्लावर पूछे जाते हैं। वर्टिसिलेस्टर पूछा जाता है जो लैपटिम पाया जाता है, एक पूछा जाता है मुंडक कैपिटुलम फ्लावर जो कंपोस्टी में पाया जाता है, एक और आता है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, वो किस में पाया जाता है, फाइकस फैमिली में पाया जाता है, यानी गूलर है और इन पौधों में पाया जाता है, अंजीर वगैरह में। तो ये तीन चार फ्लावर हैं जो स्पेसिकृत हैं या स्पेशल हैं, जिनको क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सिंजिनेशियस स्टैमेन आर फाउंड इन द फैमिली, तो वो है कंपोस्टी, किस में पाए जाते हैं, कंपोस्टी में सिंजिनेशियस पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा।
फ्लावर आर द जायगोमार्फिक इन, तो जायगोमार्फिक जो फ्लावर होते हैं डेल्फिनियम में होते हैं। देखिए जायगोमार्फिक और एक्टिनोमार्फिक दो शब्द यूज किए जाते हैं। जायगोमार्फिक में क्या होता है, जब हम फूल को एक ही एंगल से अगर दो भागों में काट दें तो वो जायगोमार्फिक होगा, यदि हम उसको किसी भी एंगल से दो बराबर भागों में काट सकते हैं तो उसे हम एक्टिनोमार्फिक कहते हैं। तो देख लीजिएगा ये बनते कैसे, तो जायगोमार्फिक का जो निशान होता है वो इस तरह बनता है, जो हमारे बॉटनी वाले भाई हैं सब जानते होंगे, और ये, और एक्टिनोमार्फिक का जो निशान होता है वो इस तरह बनता है, जायगोमार्फिक हो गया एक्टिनोमार्फिक। जायगोमार्फिक फिर से सुन लीजिए, आपको अगर एग्जाम में ना आ रहा हो, पूछ दिया हो, तो एक फ्लावर ध्यान दे लीजिएगा कि जायगोमार्फिक में क्या होता है, एक ऐसा एंगल, जैसे मान लेते हैं आप मटर का फूल देख लीजिएगा, तो उसमें क्या होता है बीक नुमा निकली रहती, तो उसके दो बराबर भाग केवल एक ही बीचों बीच से फाड़ेंगे तो दो हिस्से बटेंगे, अगर उसको हम बीच से काटेंगे तो नहीं बटेगा। तो और जैसे कि आप क्रूसीफेरम जाइए, वो कैसी है एक्टिनोमार्फिक, किसी भी एंगल से चाकू रख के काटिए, चाहे इधर घुमाइए चाहे बेड़ा, वो दो बराबर भागों में बट जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है द फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम ए सुपीरियर बाइकैपलरी ओवरी विथ टू पैराइटल प्लेसेंटी आर, वह फल जो एक ऊर्ध्ववर्ती द्विअंडपी अंडाशय जिसमें दो भित्ति बीजांड विकसित होती है वो कहलाती है सिल्कुआ, क्या कहलाती है सिल्कुआ। नेक्स्ट है करंकल इन द कैस्टर सीड इज, एरंड के बीज में बीज चोल है तो वो क्या है, द माइक्रोपाइलर आउट ग्रोथ इन एंटूगमेंट, वो क्या है, तो वो है क्या है द माइक्रोपाइलर आउट ग्रोथ ऑफ द एंटूगमेंट, जिसे हम करेंकल के नाम से जानते हैं। ये किसमें पाया जाता है, यू फॉरवियसी का जो आरंड होता है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू द ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर इट इज नोन एज, तना जब हरित पर्णी संरचना में परिवर्तित होता तो उसे हम फिल्लोक्लेट कहते हैं, क्या बोलते हैं फिल्लोक्लेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉर्क ऑफ कॉमर्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम, व्यापारी कार्क व्युत्पन्न होती है तो वो किससे होती है, फेलोजेन से होती है, जो बाहरी हिस्सा होता है प्लांट्स का, जिसे हम फिलोजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट है वेलामिन एवं स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं, तो एपिफाइट रूट में पाए जाते हैं। हम आपको बता दें ये आर्किड में देखने को मिलते हैं। आर्किड के पौधे क्या होते हैं कि कुछ ऐसे एपिफाइट, एपिफाइट पहले आप समझ लो, एपिफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर उगते हैं, उन्हें हम एपिफाइट बोलते हैं। तो ये एपिफाइट रूट है, इसमें वेलामिन जो टिश्यूज होते हैं ये एक स्पंजी टिश्यूज होते हैं जो वायुमंडल की जो नमी होती है उसको अपने अंदर सोख लेते हैं और इनको भोजन बनाने के लिए उपलब्ध कराते हैं। ब्रीथिंग रूट क्या होती है, ए पर क्या होता है, ब्रीथिंग रूट निमेटोफोर को बोलते हैं, जो निमेटोफोर किसमें पाए जाते हैं, मैनग्रोव जो वनस्पतियां होती हैं, अर्थात वो वनस्पतियां जो समुद्रों में उगती हैं, तो उनकी हाई सैलाइन वाटर के कारण उनकी रूट्स ऊपर को निकली रहती हैं। पैरासिटिक रूट क्या होती हैं, जो क्या करती हैं, ऐसी जड़ें जो दूसरे पौधों की जड़ों के साथ जुड़ जाती हैं और भोजन को लेती हैं, जैसे स्ट्राइगा। ट्यूबर रूट्स क्या होती है, तो ट्यूबर्स रूट जैसे कि आलू, सॉरी ये मैंने ट्यूबर रूट्स आलू नहीं होता, जो आलू होता है वो ट्यूबरस स्टेम होता है, सॉरी इसमें आ जाएगा शकरकंद, ट्यूबर्स रूट में क्या आ जाएगा शकरकंद। नेक्स्ट देख लेते हैं, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय द बैंथम और हुकर, हुकर और बैंथम ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था, तो वो दिया था नेचुरल, नेचुरल क्लासिफिकेशन इन्होंने प्रस्तुत किया था। और हम आपको बता दें इन्होंने अपनी पुस्तक जेनरा प्लांटेरम के तीन पार्ट में इन्होंने लिखा था, जो 1862 से लेकर 1883 में दिया। इस वर्गीकरण में जो प्लांट्स के दो नेचुरल जो करेक्टर्स थे उनके बेस पर इन्होंने उसका क्लासिफिकेशन किया। इसमें उन्होंने प्लांट्स का जो हैबिट एंड हैबिटाट था, रूट लीफ और जो फ्लावर का था महत्व, इस पर दिया था। जो बैंथम थे वो वेंथम और सर जेडी हुकर द्वारा दिए गए वर्गीकरण में कुल 202 एंजियोस्पर्म को बांटा गया है,
और हम आपको बता दें कि ये हार्बेरियम के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हार्बेरिया तैयार किया था उसके लिए इनका क्लासिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो लीनियस ने दिया था। और जो फाइलोजेनेटिक था इन्हें एंगलर प्लांटल और हचिनसन, एंगलर प्लांटल का साथ आता है और हचिनसन का लगाता है, उन्होंने फाइलोजेनेटिक था। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। द इंडो स्पर्म ऑफ ए प्लांट हैज 24 क्रोमोसोम, द पीटल्स ऑफ दिस प्लांट विल हैव। तो जब उसमें 24 क्रोमोसोम्स होंगे, तो अब ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप ध्यान रखिएगा। ये मैं इससे पहले आपको एक सॉल्व कराया हूँ जो पार्ट है, उसमें भी एक सेम क्वेश्चन था। तो इंडो स्पर्म कैसे होता है, तो इंडो स्पर्म होता है, चलिए यहाँ हम आपको बता दें, इंडो स्पर्म जो होता है वो 3N होता है। कितना होता है, 3N। तो यहाँ इंडो स्पर्म 3N बराबर उसने कितना दिया है, 24। कितना दिया है, 24। तो अब हम N बराबर निकाल लें, तो N बराबर क्या आएगा, 24 अपान बराबर का निशान लगा दें, 24 अपान 3। तो हमने ये कर दिया, ये काट दिया, और कितना आया, यहाँ हमारा आ गया, सॉरी यहाँ, तो यहाँ हमने इसको काटा, काट कर देखते हैं क्या आता है। तो इसको हमने काटा 3 × 3 = 8 = 24, सॉरी ये 8 बने हुए, तो 3 × 3 और ये हमने काटा, तो 24 8 बार गया, तो n बराबर हमारा कितना निकल आया, 8। चलो हमारा n बराबर 8 निकला। अभी क्या है, ये बात कर रहा है किसकी, तो ये बात कर रहा है हमारा पेटल्स की। तो ये जो प्लांट्स जो होता है वो स्पोरोफाइट यानी 2N होता है, तो N बराबर जब दिया है कितना, 8, तो 2N बराबर क्या होगा, तो कर दो भाई 8 × 2 तो बराबर 16। हमारा आंसर कितना आएगा, 16। तो हमारा ये सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, तो वो क्या होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी पीजीए फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो पहला स्थाई जो कंपोनेंट्स होता है वो माना जाता है। जो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इसे पीजीए के रूप में देखने को मिलता है, ये जो केल्विन चक्र में बनता है यानी ये C3 चक्र जिसे बोलते हैं, यह चक्र 3 भागों में बटा होता है, कार्बोक्सीकरण और ग्लिसरॉल रिवर्स और रिबुलोज 5-फॉस्फेट की यानी RUDP का रीजनरेशन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में 10 प्रकाश की प्रभावी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कौन सी होती है, तो यहां जो हमारा सही है वो है रेड। कौन सी होती है, रेड। देखिए प्रकाश जो प्रभावी तरंग दैर्ध्य होती है वो लाल होती है, अर्थात सर्वाधिक जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो रेड कलर में ही होता है, उसके बाद ब्लू में होता है, और सबसे कम जो होता है वो ग्रीन में होता है। ऐसा ध्यान रखिएगा, पौधे ग्रीन होते हैं तो ग्रीन ही लाइट पड़ेगी तो कम प्रभावी है, और रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता है, तो जब पौधा ग्रीन है तो रेड अगर लाइट पड़ेगी तो सबसे ज़्यादा, ब्लू उसके बाद सेकेंड नंबर पर ब्लू में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्रेसिंग इज इफेक्टिंग मेथड्स ऑफ द सॉयल कंजर्वेशन, वेदिकाकरण करण मृदा संरक्षण की एक प्रभावी क्रियाविधि है। तो हम आपको बता दें ये पहाड़ियों में अपनाई जाती है। कहाँ अपनाई जाती है, हिल स्टेशन पर अपनाई जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, सीढ़ीदार खेती करते हैं। कैसे करते हैं, सीढ़ीदार। चलिए हम आपको बता भी देते हैं, दिखा भी देते हैं। ये जैसे है, ये पहाड़ है, तो इसमें क्या करते हैं, वो इस तरीके से सीढ़ी काट देते हैं, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, तो यहाँ वो खेती करते हैं। तो ये क्या होता है, जो वर्षा का पानी होता है यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से आता है, तो इस तरह वो यहाँ खेती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द प्री शोइंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ द सीड इज नो बसंतीकरण, क्या बोलते हैं उसको, बसंतीकरण या वर्नलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ एक हार्मोन वर्नेलिन होता है, ध्यान रखना, बसंतीकरण में एक हार्मोन भाग लेता है वर्नेलिन,
वो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस. क्या होता है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे कहाँ बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है. एब्सीसन क्या होता है, विलगन होता है जिससे विलगन लेयर बनती है और पत्तियाँ और फ्रूट्स गिरते हैं, ध्यान रखिएगा. वसंतीकरण में क्या होता है, हम लो टेम्परेचर पर बीजों को ट्रीट करते हैं और वो उगने में सक्षम हो जाते हैं. लाइसोसोम इज कॉल्ड द सोसाइटल बैग बिकॉज दे, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और ये जब कोशिका जो कोशिका बीमार होती हैं तो ये फट जाती है और पूरी की पूरी कोशिका डाइजेस्ट हो जाती है. इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं. कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं. जब कोशिका बीमार होती है या डिस्टर्ब होती है तो ये उसी कोशिका के अंदर फट जाते हैं, पूरी की पूरी कोशिका डाइजेस्ट हो जाती है यानी पाचन पाचित हो जाती है, तो इसलिए इसे सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं. फिर है द, चलिए इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट देंगे चूंकि 15 मिनट हो चुके हैं. तो आज के लिए इतना ही. हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट्स करना ना भूला करिए. आप अगर फीडबैक देते हैं तो अच्छा लगता है. अब जैसे आप कहानी सुन रहे होते हैं, अगर आप हाँ ना का जवाब ना दें तो कहानी सुनाने वाला भी बोर हो जाता है, तो ऐसे आप कमेंट्स भी करिए. जिन दोस्तों ने जो हमारे चैनल पर जो दोस्त अभी नए आए हुए हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी मित्रों से जो वीडियो आए उनको आप देखने में इतना मशगूल मत होइए कि आप लाइक करना भूल जाते हैं. तो एक बार लाइक करके तब वीडियो को देखें तो हमें भी अच्छा लगेगा कि दोस्त हमारा रिस्पांस कर रहे हैं. और दोस्तों हम आपको बता दें कि जो यूपी टीजीटी के बारे में कई मित्र हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उन मित्रों से कहेंगे कि अभी तक गवर्नमेंट ने कोई सही जवाब नहीं दिया है कि यूपी टीजीटी होगा कि नहीं होगा. चलिए धन्यवाद.